फर्रुखाबाद से सुरेश गुप्ता ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। गर्मी से बचाव के लिए रसदार फलों का प्रयोग करें। डॉक्टर ऋषिनाथ गुप्ता, भीषण गर्मी में जहां धूप से बचाव करें वहीं रसदार फलों का इस्तेमाल करें। शरीर में पानी की कमी न होने दी, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो। सर जी, इस बार जो है भीषण गर्मी पड़ रही है, तापमान 40 से 45 तक है, इसमें लोगों को क्या क्या बीमारियां फैल सकती हैं, उनके बचाव क्या है? नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋषिनाथ गुप्ता, MONCD। गर्मियों में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो इलेक्ट्रोलाइट्स का डिसबैलेंस होता है। शरीर से जैसे जैसे पसीना निकलता है, पसीने के साथ साथ में सोडियम पोटेशियम भी निकलने लगता है, जिसकी वजह से उनका BP डाउन हो जाता है, कमजोरी आने लगती है, कभी कभी चक्कर भी आते हैं और गिर भी जाते हैं। ऐसी स्थिति में अपने आप को हाइड्रेट करते रहना चाहिए। हाइड्रेट के लिए जहां पे भी आपको जूस मिले जूस पिए, जितने भी मौसमी फल मिले फल खाएं, और ऐसी चीजों का सेवन ज्यादा करें जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, जिससे शरीर में पानी की पूर्ति बनी रहे। साथ साथ में आप ORS ले सकते हो। अगर आप अधिक गर्मी में सफर कर रहे हो और पसीना ज्यादा आ रहा है तो आप किसी भी मेडिकल स्टोर से ORS ले लें, इलेक्ट्रॉल ले लें, 1 लीटर पानी मिला लें और धीरे धीरे उसका सेवन करते रहें, जिससे आपके शरीर में सोडियम भी पूरा बना रहेगा, पोटेशियम भी पूरा बना रहेगा और साथ साथ में आपको वीकनेस भी कम रहेगी। साथ साथ में बॉडी जब धूप के टेम्परेचर में ज्यादा आती है तो हीट बर्न के साथ में आपकी स्किन भी थोड़ी सी बर्न हो जाती है। इसके लिए सनस्क्रीन का यूज करके ही बाहर निकलें। कोशिश करें कि 12 से 2 के बीच में टेम्परेचर, सूरज एकदम ऊपर होता है, टेम्परेचर सीधा आता है, तो ऐसे टाइम पे कोशिश करें बाहर ना निकलें। जब ज्यादा जरूरत हो तभी बाहर निकलें। किस उम्र के ज्यादातर लोग प्रभावित होते हैं इससे? हीट वेव से ज्यादातर वो लोग प्रभावित होते हैं जो लोग धूप की कांटेक्ट में ज्यादा आते हैं। उम्र से ज्यादा इसमें डिपेंड करता है कि कौन किस टाइम पे कितनी देर तक धूप में आया है। तो कोशिश करें जब भी बाहर निकलें अपने आप को पूरा कवर करके निकलें, अपने पास में पानी रखें, पानी के साथ साथ में आपके इलेक्ट्रॉल रखें, जो आपको इस टाइप की कमजोरी पैदा न होने दें। कुछ बच्चों से भी कम मतलब जो है इस पे प्रभावित हो सकते हैं? बच्चों में गर्मी के साथ साथ डायरिया, वॉमिटिंग, इसकी शिकायत बढ़ जाती है, जिससे उनको 2 या 3 वॉमिटिंग में ही बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, पानी कम हो जाता है शरीर के अंदर, और शरीर के कम होने से बच्चों की आंखें श्रिंकिंग हो जाती हैं, बॉडी की स्किन एकदम से पतली हो जाती है। ऐसे में उन बच्चों को तुरंत नजदीकी डॉक्टर को दिखाएं और इलेक्ट्रॉल का घोल उनको देते रहें।